प्यारे दोस्तों, नवजीवन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आप सभी को जय मसीह की कहते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। आज का हमारा विषय है चिंता और चिंता के ऊपर कैसे विजय पाएं। चिंता एक मनोवैज्ञानिक मनोदशा है और इसके कारण व्यक्ति के विचार, वाणी और वर्तन में बड़ा गहन और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चिंता के कारण व्यक्ति में बेचैनी, डर, आशंका और निराशा का बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह संवेदनशील प्राणी भी है, साथ साथ वह सबसे ज्यादा वैचारिक प्राणी भी है। इसी कारण से वह उसके जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो वह मायूस हो जाता है और जब वह परिस्थिति उसके प्रयासों के दायरे से बाहर हो जाती है तब व्यक्ति मानसिक और बौद्धिक रीति से टूट जाता है और कई बार चिंता के अतिरेक के कारण व्यक्ति अपना जीवन खत्म कर देता है या वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है या किसी मादक और नशीले पदार्थों का सेवन करके उनका गलत रीति से सहारा लेकर नशेड़ी बन जाता है और अपने अनमोल जीवन को तहस नहस और तबाह कर देता है। कई ऐसे साहसी व्यक्ति होते हैं जो अपनी मनोदशा को अपने जीवन पर और अपनी परिस्थितियों पर हावी नहीं होने देते और अपने जीवन को बेहतर और आनंदमय बना देते हैं। कुछ दुर्भागी लोग और डरपोक लोग चिंता के विषयों से कैसे छुटकारा पाएं यह सुनिश्चित नहीं कर पाते और डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, फियर मैनिया, नींद न आना, पागल हो जाना, फोबिया इत्यादि मनोरोग के शिकार बन जाते हैं और कभी कभी यह भी पाया गया है कि वे साइकिक और मेंटल डिसऑर्डर के मरीज बन जाते हैं। वैज्ञानिक शोध और सर्वे में यह पाया गया है कि विकसित देशों और बड़े शहरों में लोग बहुत ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं और यह भी पाया गया है कि पुरुष के मुकाबले स्त्रियों में यह अधिकतर देखा गया है। स्त्रियां स्वाभाविक रीति से ही भावुक और संवेदनशील ज्यादा होती है और सामाजिक परिवेश भी कुछ हद तक उनको बंधनों में जकड़े है। इसी कारण से महिलाएं ज्यादा चिंता से ग्रसित होती है। इसीलिए चिंता को चिता यानी आग के समान माना जाता है। जैसे ज्यादा आग सब कुछ भस्मीभूत कर देती है, वैसे ही चिंता मनुष्य के जीवन को ध्वस्त कर देती है। प्यारे दोस्तों, यह तो हुई चिंता के विषय मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समझ, परंतु आज हम इसे आध्यात्मिक रीति से भी समझेंगे, क्योंकि इस बात को हम समझ लेंगे तो हमें और भी सटीक रीति से चिंता के विषय में समझ में आएगा और हम चिंता से मुक्त होकर खुशियों से भरा जीवन जीने के काबिल बन पाएंगे। इतना ही नहीं, हम दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा का कारण बन पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम बाइबल के आधार पर इस विषय को जानने, समझने और उसका सटीक इलाज ढूंढने में अपने मन को लगाएं और इस बात का यकीन मानिए कि आप अवश्य चिंता मुक्त होकर खुशहाल जीवन का आनंद ले पाएंगे, एक विजयवंत और उत्साहित जीवन जी सकेंगे। तो यदि आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो बाइबल के आधार पर आगे के वीडियो को बड़े ध्यान और विश्वास से सुने, देखें और समझें। प्यारे दोस्तों, मैं प्रभु का दास भाई आशीष गामित फिर से आपको जय मसीह की कहता हूँ और आपको बाइबल के वचनों से और मेरे जीवन के अनुभवों से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं चिंता के विषय में बाइबल क्या सिखाती है। नीति वचन 12 अध्याय और 25वें वचन में यूं लिखा है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। प्यारे दोस्तों, आपने बड़े ध्यान से इस वचन को सुना है तो आप यह समझ सकते हैं कि चिंता के कारण मन उदास हो जाता है और उदासी के कारण व्यक्ति अपनी हिम्मत और आशा को खो देता है और वह मानसिक रीति से बड़े दबाव में आ जाता है।
वह विकट परिस्थिति से उठ खड़े होने की कोशिश तो करता है, परंतु वह चिंता के बड़े बोझ से दबे होने के कारण अपनी विचार शक्ति में स्थिर नहीं रह पाता और वह गहरी चिंताओं में घिर जाता है। परंतु भली बात यानी हिम्मत और हियाव और हकारात्मक विचारों से व्यक्ति पर चिंता प्रभावित नहीं होती और उसका हृदय आनंद से भर जाता है। इसीलिए इसी पुस्तक में आगे हम देखते हैं जो हमें बड़े ध्यान से सुनना है, नीति वचन अध्याय 17 और 22 पद। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। चिंताओं से मुक्त होने का सही और सटीक इलाज है कि हम मन से आनंदित रहे, प्रफुल्लित रहें और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करते रहें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हर हाल में खुशहाल, हर हाल में खुशहाल। आप भी अपने मन में यह बोलते रहे कि हर हाल में खुशहाल। प्यारे दोस्तों, चिंता करने से व्यक्ति के जीवन में और उसके व्यवहार में क्या फर्क पड़ता है और उसकी मनोदशा कैसी हो जाती है, वह हमें इस वचन में देखने को मिलता है। भजन संहिता अध्याय 55 वचन 2, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। प्यारे दोस्तों, यदि आप भी चिंता के कारण बड़ी बेचैनी के साथ छटपटाते हैं और बड़े व्याकुल हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको अवश्य चिंता का सही हल मिलेगा। लेकिन आप आगे के वचन को सुने, प्रभु यीशु मसीह मार्था को क्या प्रत्युत्तर देते हैं, वो बड़े ध्यान से सुनिए। लुका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय वचन 41 और 42, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। इस वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह हम सभी से यह कहना चाहते हैं कि हम छोटी छोटी बातों में चिंता न करें, बल्कि जो आवश्यक और उत्तम बातें हैं वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनना, समझना और पूरे हृदय से ग्रहण करना। प्रिय मित्रों, यदि हम संसार की बातों की चिंताओं में उलझ जाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन तो बर्बाद होगा ही, परंतु हम मानसिक और आर्थिक रीति से भी कमजोर होते जाएंगे। इसीलिए हमें हमारे आत्मिक जीवन को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसी बात को बड़ी ही सरलता से समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ पर के बोध में बड़ी ही सरलता से हमें सिखाया है, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 25वें वचन से लेकर 34वें वचन में हमें यूं कहा गया है। इन वचनों को बड़े ध्यान से सुने, ये वचन आपको बहुत अच्छी और भली बातें सिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो,
क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्यारे दोस्तों, इन वचनों को आपने सुना, इन वचनों को आप बाइबल में बार बार पढ़ते रहें, ये वचन आपको अवश्य प्रोत्साहित करेंगे और आपकी उदास और निराश मनोदशा में आपको हिम्मत और हियाव प्रदान करेंगे। आइए हम दूसरे वचन को भी देखें और समझें कि परमेश्वर हमें कैसे अपने सामर्थी वचनों से प्रोत्साहित करते हैं और हमारे मानवीय जीवन में हमें हर परिस्थिति में सहायक सिद्ध होते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 5वां, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रिय मित्रों, यह वचन हमें कितनी बड़ी हिम्मत और आशा दिलाते हैं। जब हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों में हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब यकीन रखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आप शायद मुझे यह कह सकते हो कि मेरी चिंता बड़ी विशेष है, मेरे जीवन में अब कोई हल नहीं है, मेरा अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं अब हिम्मत हार चुका हूँ, मैं अब खत्म हो चुका हूँ। हाँ, आपकी वेदना को प्रकट करने के लिए बाइबल में भी यह वचन लिखा है। आइए उस वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 77 वचन 3, मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो जाता हूँ। हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा भी समय आता है कि हमारी मानवीय सोच और शक्ति खत्म हो जाती है। हमें यह लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, बस अब मेरे जीवन का अंत ही हो जाएगा। शायद आप बीमार हैं, आर्थिक कर्जे में डूबे हैं, पारिवारिक समस्याओं में घिरे हो और आप बेरोजगार हैं। सब कुछ करने के बाद भी कुछ बदलाव नहीं हो रहा, बस निराशाओं और हताशाओं ने तुम्हें घेर लिया है। शायद आपकी स्थिति बदतर से बदतर हो चुकी है। तब तो हे मेरे प्रिय मित्रों, आपको आगे के वचनों को अवश्य सुनना होगा और इस बात का विश्वास करना होगा कि जीवन में सभी समय एक समान नहीं होते। अभी हमारी स्थिति गंभीर है तो क्या हुआ, हमारे लिए जो असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पहला पत्रस 5:7 वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रिय मित्रों, आपने बड़े ध्यान से इस वचन को सुना होगा तो आपको यह समझना अवश्य है कि कितनी चिंता, कैसी चिंता। इस वचन में सारी चिंता कहा गया है, कोई एक दो नहीं बल्कि जीवन की सभी और हर प्रकार की चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के कलवरे के क्रूस पर डाल दो। वचन में लिखा है डाल दो। मित्रों, आप कौन सी चीजों को डाल दोगे और कौन सी चीजों को अपने पास रखोगे? जो चीजें आपके लिए आवश्यक है वह आप रखोगे और जिन चीजों की आपको बिल्कुल जरूरत ना हो और जो आपके लिए अनुपयोगी हो, कचरे के समान हो, उन चीजों को आप डाल दोगे। तो आपके लिए भी चिंता अनुपयोगी और अनावश्यक है, यानी कि चिंता को परमेश्वर कचरे के समान गिनता है। हमें भी चिंता को तवज्जो या महत्व नहीं देना है, बल्कि चिंता को नकारना है, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, परंतु हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों में और उसके कलवरे के बलिदान में होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान है। वह हमें भली भांति जानता है, वह हमें नई आशा और नई उम्मीद के साथ नवाजता है, वह हमारी सारी कमजोरियों को जानता है और हमें उन हर परिस्थितियों में संभालकर हमें हर विकट परिस्थितियों में दृढ़ और विजयवंत करना चाहता है। यदि आप अपनी परिस्थितियों में विजय पाना चाहते हैं तो कृपया आगे आने वाले वचनों को बड़े ध्यान और विश्वास से सुने और देखें। फिलिप्पी के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 4 वचन 6-7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में
सुरक्षित रखेगी। प्यारे दोस्तों, कितने अद्भुत वचन जो हमें चिंता मुक्त कैसे हो सकते हैं वह बड़ी बारीकी से सिखाते हैं जीवन की हर परिस्थिति में, और विशेषकर कि जब हम निराश और हताशा में हो, जब हम चिंताओं से घिरे हो, तब हमें निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर से लगातार सहभागिता करनी चाहिए। अक्सर हम निराशा और हताशा में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। प्रार्थना करने में हमारा मन नहीं लगता और हमारा मन उदास हो जाता है। हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं और हमारी आशा, उम्मीद और हिम्मत भी कमजोर हो जाती है। लेकिन वचन आगे हमें सिखाता है और समझाता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, हमें धीरज नहीं खोना है और हमारे जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। तब परमेश्वर हमें अपनी सच्ची शांति से भर देगा। हमारी समझ से परे वह हमारे लिए अद्भुत काम करेगा और हमारी सुरक्षा और हिफाजत करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में चिंताओं से घिरे हो और आशा खो चुके हैं, तो आपके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, उसके सामर्थी वचनों को अंगीकार करें और आपकी सारी चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए अभी, हाँ अभी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना आरंभ कर दे। और पवित्र आत्मा अवश्य आपके मन को, आपके हृदय को, आपके विचारों को छू लेगा और आपका मन, आत्मा और जीवन शांति और आनंद से भर जाएगा और आपकी विपरीत परिस्थिति में आपको अवश्य प्रत्युत्तर मिलेगा। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हमें कहते हैं, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और पहले वचन में यूं कहा गया है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद यूं कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 33 वचन में यूं लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्यारे दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे खुद कहा है, जिसने मौत को भी जीत लिया, जो युगानुयुग जिंदा प्रभु है, वो यदि हमें कहता है तो यह अवश्य है कि उस पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार और जिंदा खुदा है। यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करें। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे वचन बताना चाहता हूँ, परंतु मुझे आप पर विश्वास है कि आप इन वचनों पर पूरा भरोसा करते हो और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो यह कुछ वचन भी आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे और आप अवश्य आशीषित होंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने जीवन के अनुभवों से भी आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। मेरे जीवन के कुछ अनुभवों से भी सीखें। मैं अपनी बात बहुत ही थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ। सन 1997 में मेरी बाई किडनी खराब हो गई थी। मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया था। अच्छी ट्रीटमेंट के लिए मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे। 14 साल की उम्र में मैंने अपने पिता की छाया को खो दी थी और अब मेरी निसहाय माँ कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी हालात बदतर हो चुकी थी और इस दौरान मैं 2 आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका था, लेकिन इन विकट परिस्थिति में प्रार्थना और विश्वास ही मेरे जीवन का आधार और इलाज बना और इसी से मुझे नया जीवन मिला। सन 2008 में मुझे गले में कैंसर हो गया था और हमारे कैंसर वार्ड में 10 लोग थे और मेरे सामने प्रतिदिन 1 या 2 व्यक्ति को मैंने तड़पते और मरते देखा। 10वां व्यक्ति मैं था और 8 दिसंबर 2008 में कैंसर से मेरी मृत्यु हो गई। कुछ मिनट के बाद वापस जिंदा हो गया था और अब तक मुझे कभी कैंसर की दवाइयां नहीं लेनी पड़ी है। इसके बाद अभी 2021 अप्रैल माह में मुझे कोरोना हो गया था। मेरे फेफड़े 40% काम नहीं कर रहे थे और 3 दिनों तक मुझे ऑक्सीजन पर रखा गया था और 5वें दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी। प्रिय मित्रों, मैंने अपने जीवन के अनुभव को आपके सामने प्रस्तुत किए। आप समझ सकते हो कि मैं 3 मृत्यु का सामना कर चुका हूँ, फिर भी
आज मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मैंने इन चिंताजनक परिस्थितियों में क्यों विजय पाई? इसका सही जवाब है कि मैंने मेरे जीवन की हर परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बाइबल के वचनों को अंगीकार करता रहा, मायूसी और चिंता को कभी मेरे विचारों और परिस्थितियों पर हावी होने नहीं दिया। मैंने कभी भी नकारात्मक विचारों को महत्व नहीं दिया, बल्कि सदैव पॉजिटिव और विश्वास योग्य बना रहा। और आज इसीलिए पिछले 30 साल की सेवकाई में मैं स्थिर और आशीषित रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, यदि आप भी चिंता से मुक्ति पाना चाहते हो, आप भी स्वस्थ और आनंदित जीवन जीना चाहते हो, तो कृपया इस छोटी सी दुआ में अवश्य शामिल होना। मैं प्रभु का दास भाई आशीष गामित आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें और विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना में सहभागी बने। हे पिता परमेश्वर, मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए मैं बड़े बोझ और विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं उनकी भलाई के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग अभी यह वीडियो देख और सुन रहे हैं, वे यदि किसी भी बात के लिए चिंता में हैं, निराशा में हैं, हताशा में हैं, बीमार अवस्था में हैं, उनके ऊपर आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेले और उनके व्याकुल और चिंतित हृदय को आपकी अद्भुत और सच्ची शांति से भर दे। उनके मनों को हिम्मत और हियाव से भर दे। उनको जीवन जीने की आशा और उम्मीद दिलाओ और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करो। जो वचन मैंने उनको बांटे हैं, वे उन्होंने सुने हैं और विश्वास किया है, उनके आधार पर उन्हें आशीषित करें और उनके शरीर को स्वस्थ बनाएं, उनके मनों को प्रोत्साहित करें और उनकी आत्मा में विश्वास जगाएं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप सच्चे और जिंदा खुदा है। आप ही सारी सृष्टि के आधार हो। आपके लहू के सामर्थ्य से उनके पापों की क्षमा करो और आपकी भलाई और सच्चाई से उनके जीवन को भर दे। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, यदि इस वीडियो से आप आशीषित हुए हो तो कृपया इसे शेयर करें और प्रभु यीशु मसीह की अनमोल सेवा में हमें सहयोग दें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।